हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 6 का हमारा फर्दर पार्ट। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। डिसिसिव का मतलब होता है फाइनल या आखिरी निर्णय जो लेते हैं, या लास्ट जो डिसीजन होता है वो पार्टी का होता है। ये लॉज को बनाने में पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट या ये फाइनल डिसीजन वाला रोल होता है। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन अ लेजिस्लेचर। फॉर्मली अगर देखा जाए तो लॉज जो है जब बनते हैं उस पर डिबेट होती है, बहस होती है, देन वो पास किया जाता है लेजिस्लेचर को। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग्स टू पार्टी, लेकिन जो कि लेजिस्लेचर के मेंबर्स जो हैं वो पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। वो डायरेक्टली किसके थ्रू जाते हैं, किस वे से जाते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप जो है वहाँ तक उनको भेजा जाता है उसे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। पर्सनल ओपिनियंस ना भेजकर पार्टी लीडरशिप के पास में वो जो लॉ है वो जाता है। पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज क्या काम करती है, और तो वो बनाती भी है और चलाती भी है गवर्नमेंट को। As we noted last year, जैसे हमने last year पढ़ा था, the big policy decisions are taken by a political executive. Big policy decisions जो होते हैं, बड़े बड़े policy से related जो decisions होते हैं, वो political executive लेते हैं. That comes from the political parties, जो political parties से आते हैं. Parties recruit leaders. Parties क्या करती है, leaders को भी parties खुद recruit करती है, खुद select करती है, चुनती हैं. ट्रेन देम, उन्हें ट्रेन करती है, उन्हें हर चीज़ सिखाती है, एंड देन मेक देम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। और उसके बाद उसे मिनिस्टर बनाती है उस लीडर को, एंड देन उसे गवर्नमेंट जो है उसे रन कराने के लिए, रन करने के लिए, चलाने के लिए दे देती है जिस तरह से वो चाहती है। इस तरह से वो लीडर जो है, जिस तरह से पार्टियाँ चाहती हैं अपने तरीके से, उस लीडर से गवर्नमेंट का काम करवाते हैं, या गवर्नमेंट के रूप में वो लीडर जो है पार्टीज जो चाहती हैं उस तरह से काम करते हैं। Those parties that lose in the elections play a role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its familiar or wrong policies. और जो parties हार जाती हैं election में, क्योंकि election तो हर कोई जीत नहीं सकता, कोई एक ही जीतेगा, तो जो बाकी elections में जो बाकी पार्टियाँ हैं वो अगर हार जाती हैं तो opposition का role play करती हैं। मतलब opposite में जो party खड़ी है उसके विरुद्ध में जो खड़ी हैं वैसे पार्टी का रोल प्ले करती हैं। टू द पार्टीज इन पावर, उन पार्टीज के फेवर में, उन पार्टी ऑप्शन है जो जीती, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, अपने अपने अलग अलग व्यूज बताने लगती है उस जीती हुई पार्टी को लेकर। अलग अलग क्रिटिसाइज मूवमेंट जो हैं वो चलाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें, हर चीज़ के लिए नीचा दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं अपोजिशन पार्टी फॉर इट्स फेल्योर। अगर किसी चीज़ में जो पार्टी जीत गई है वो किसी चीज़ में अगर फेल्योर हो जाती है, या उनकी कोई रॉन्ग पॉलिसीज वो दिखाते हैं, रॉन्ग पॉलिसीज वो अगर अप्लाई कर देते हैं कभी, तो ये जो अपोजिशन में खड़ी हुई पार्टियां हैं ये उन्हें बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें बहुत ही नीचा दिखाते हैं। अपोजिशन पार्टीज आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टीज जो होती है ये अपोजिशन गवर्नमेंट को भी दिखाती हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए ही उनका अपोजिशन होता है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। फिर पार्टीज जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप भी देती हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इशूज। वो क्या करती हैं कि पब्लिक में से जो इशू आए हैं, या कोई चीज़ आई है, किसी चीज़ को लेकर कोई बहस हो रही है, पब्लिक में किसी चीज़ को लेकर बात है कि इस गांव में स्कूल नहीं है, इस गांव में प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, तो ये इशूज़ को हाईलाइट करना, उन्हें बढ़ाना, उन्हें बताना गवर्नमेंट के सामने, ये काम पार्टीज करती हैं। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेम्बर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पार्टीज के अपने खुद के लैक्स ऑफ मेंबर, लाखों में मेंबर्स होते हैं, और बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं जो ऑल ओवर द कंट्री फैले होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स जो हमने पढ़े थे, वो प्रेशर ग्रुप्स भी जो है लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, वो भी एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सटेंशन है। पॉलिटिकल पार्टीज ही अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाकर रख देती हैं अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सेक्शंस में सोसाइटी के। पार्टी समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस बाई पीपल। पार्टीज कभी कभी कुछ मूवमेंट्स भी शुरू करती हैं ताकि रेजोल्यूशन हो सके, या प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सके। रेजोल्यूशन मतलब सोल्यूशन मिल सके प्रॉब्लम्स का जो पीपल्स फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मूवमेंट्स को भी चलाती हैं पार्टीज। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। और बहुत बार ये ऑफनली देखेंगे तो ओपिनियन जो होता है सोसाइटी में वो क्रिस्टलाइज होता है या फ्रीज किया जाता है, पार्टीज जो लेती है डिसीजन उसी को माना जाता है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। पार्टीज जो है लोगों को, आम जनता को,
गवर्नमेंट को एक्सेस, गवर्नमेंट की मशीनरीज को एक्सेस करने का हक देती है, और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं पब्लिक के भलाई के लिए जो स्कीम्स बनाई हैं वो स्कीम्स उनको प्रोवाइड करने का या उनके बारे में जो लोग हैं उन्हें अवेयर करने का काम करती है, इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं स्कीम्स उनसे. फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर दैन अ गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए उस लोकल जगह पर जो लीडर है उसके पास तक जाना पॉसिबल है, ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास. अगर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो आप उसको लेके सीधे गवर्नमेंट ऑफिसर के पास नहीं जा सकते, ये आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन आपके लिए उस पर्टिकुलर एरिया का जो लीडर है उसके पास जाना पॉसिबल है. तो ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए ईजी होता है कि वो लोकल पार्टी लीडर को अप्रोच करे एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट ऑफिसर. That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. और इसीलिए जो ordinary people होते हैं वो बिलीव तो नहीं करते अपने local leader के ऊपर, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि वो feel करते हैं कि वो उनके close हैं. मतलब लोग जो हैं वो चाहते नहीं है कि leaders उन्हें, मतलब उन्हें वो leaders अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी मजबूरी बोलो या जो भी चीज़ बोलो उन्हें उन parties के पास में या उन party leaders, local party leaders के पास जाना पड़ता है. Parties have to be responsive to people's need and demand. Of parties जो है उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो response दें ordinary people's की ज़रूरतों को और उनकी demands को या उनकी जो भी requirement है उसे. Otherwise people can reject those parties in the next election. अगर ऐसा नहीं हुआ तो people's क्या करेंगे, अगले elections में उस party को vote नहीं देंगे और उसे हरा सकते हैं. तो इस तरह से parties जो है कोशिश करती है कि people's की demands और needs को response दें. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी, ज़रूरत. दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट. ये लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो है नेसेसिटीज के, इस सेंस में ये आंसर्स जो है इसके उस क्वेश्चन में जो पूछा आया था ऊपर उसके आंसर्स यहाँ हमें मिलेंगे. वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस. हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है, ये हमारा जो क्वेश्चन था पहले उसका जवाब हमें यहाँ आज मिल जाएगा. तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो सारे के सारे ये फंक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है. बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. लेकिन आज भी हमारे मन में फिर भी आता है ये कि क्यों आज भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है जबकि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी के बेस पर चल रही है. मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है वो हमारे यहाँ होने के बाद भी हम पॉलिटिकल पार्टीज पर डिपेंड क्यों हैं. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. ठीक है, अब ये चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हमें कंडीशन दी है कि हम एक ऐसी सिचुएशन लेंगे जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, या हमें इमेजिन करनी है ऐसी सिचुएशन जहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या हो सकता है. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट. अब क्या होगा कि हर इलेक्शन, हर कैंडिडेट जो होगा इलेक्शन में वो इंडिपेंडेंट है. पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है मतलब दो आदमी खड़े हैं, सपोज 100 लोग खड़े हैं तो 100 के 100 अपने इंडिविजुअल खड़े हैं और आप 100 में से किसी को भी वोट देते हैं. पार्टी होती तो ऐसा नहीं होता. पार्टी में 10-12 लोगों का एक ग्रुप होता तो गिन के 5 या 6 पार्टियाँ होती. तो उस तरह से 5 या 6 में ही इलेक्शन होता. अब आपके सामने अगर 100 लोग खड़े हैं तो 100 के 100 ही इंडिपेंडेंट खड़े हैं, अपने अकेले खड़े हैं. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज. और वो 100 के 100 जो हैं अगर वो इंडिविजुअल खड़े हैं तो उन्हें हर चीज़ अगर कोई भी उनमें से चुनकर आता है या इलेक्शन में जीतता है तो उसे पीपल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, जो अकेले के बस की बात नहीं होगी. जब तक तो कोई मेजर पॉलिसी चेंज उसके सामने नहीं आएगा तब तक वो उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ को कम्प्लीट करने का प्रॉमिस नहीं दे सकता. कोई भी आदमी अगर किसी चीज़ का पूरी कह सकता है ऑर्डिनरी पीपल्स की रिक्वायरमेंट और नीड्स और डिमांड को पूरा करना एक इंसान के बस की बात नहीं है. इसके लिए कम से कम ग्रुप ऑफ पीपल्स 10 से 12 लोगों का ग्रुप या वॉट एवर द पार्टी है, जितने उसके अंदर ग्रुप मेंबर्स हैं उनका होना ज़रूरी होता है. द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. गवर्नमेंट तो बनेगी लेकिन उसकी यूटिलिटी या उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन होगी. मतलब वो गवर्नमेंट से हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको वो मिलेगा या नहीं. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन लोकेलिटी. और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा या जिसे चुना होगा आपने वो क्या करेगा, उसके अंदर इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी कि वो लोकेलिटी पर देख सके. उसके बस की बात नहीं होगी कि वो अपने लोकल के बाहर के एरिया को भी देख सके. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री है. लेकिन कोई भी पूरी कंट्री पर ध्यान नहीं दे सकता. मतलब
तो कोई पार्टी नहीं है और इंडिविजुअल इंसान की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल इंसान के हाथ में ये नहीं है या उसके बस में नहीं है कि वो पूरी कंट्री को चला सके, इसलिए पार्टी का होना जरूरी है। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मेनी स्टेट। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो नॉन पार्टी इलेक्शन होते हैं, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन मतलब जिसमें कोई पार्टी नहीं है, इलेक्शन होते हैं लेकिन कोई पार्टी नहीं होती, पंचायत के रूप में होते हैं बहुत सारे स्टेट्स में। ऑल्दो पार्टीज डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस दैट विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन, ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट। जो कि पार्टीज जो है वो कंटेस्ट नहीं करती फॉर्मली, मतलब पार्टीज के बीच में कोई कॉम्पिटिशन फॉर्मली नहीं होता, लेकिन ये जनरली नोटिस किया जाता है कि विलेज जो है वो स्प्लिट हो जाता है एक से ज्यादा फैक्शन में, एक से ज्यादा इसमें डिविजन हो जाता है और हर एक जो है वो अपना पैनल ऑफ कैंडिडेट बना लेता है। तो यहाँ क्या हुआ, पार्टी खुद नहीं बनी लेकिन लोग क्या करते हैं अपना ग्रुप बना लेते हैं, पूरा विलेज में भी लोगों के अपने बीच में फ्रैक्शंस हो जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं, वो अपना पैनल बना देते हैं कैंडिडेट्स का। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, और ये तो पार्टी भी करती है। पार्टी में ये होता है कि ऑफिशियली पार्टी बनाई जाती है, और पंचायत में ये नहीं होता, पंचायत में बस विलेज वाले ही अपने अपना पैनल बना लेते हैं एंड देन वो वर्क करते हैं एज अ पार्टी। This is exactly okay. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world. और यही reason है कि इसीलिए political parties को हम अपने all over the world आपको हर country में देखने को मिलेगी। Whether these countries are big or small, जब मतलब भले वो country छोटी हो या बड़ी हो, old हो या new हो, develop हो या developing हो, आपको हर जगह political parties मिलेंगी ही। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. और जो शुरुआत हुई है, जहाँ से अरोज हुआ था या ये political party का concept शुरू हुआ था, ये directly link किया गया emergence of representative democracy. जब आप democracy में आते हैं या democracy जब शुरू हुई, तब आपको ये political party का concept तब से ही शुरू हुआ है। As we have seen, large scale societies need representative democracy. जैसे कि हम देखते हैं कि जो लार्ज स्केल सोसाइटीज़ होती है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है, उन्हें ज़रूरत होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, अगर सोसाइटीज़ बहुत ही बड़ी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, उलझी हुई सी हैं, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशूज एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट। अगर वो उन्हें ज़रूरत होती है कुछ, अगर बड़ी और कॉम्प्लेक्स कोई सोसाइटी है तो उन्हें ज़रूरत होती है कुछ एजेंसी की, और वो गैदर करते हैं डिफरेंट व्यूज को अलग अलग इश्यूज से एंड वो प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के सामने। दे नीडेड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, उन्हें ज़रूरत होती है कि किसी तरह से सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ लाएं, सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, ताकि अच्छी गवर्नमेंट जो है बन सके, जो उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने की ताकत रख सके। दे नीडेड अ मशीन, दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्टेन द गवर्नमेंट, उन्हें ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो सपोर्ट करें और रिस्टेन करें गवर्नमेंट को, मेक पॉलिसीज, जो पॉलिसीज बनाए, जस्टिफाई और अपोज दें, उसे जस्टिफाई करें, अपोज करें। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड्स एंड एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़, और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये बात होती है जो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सके, उनके अंदर मैकेनिज्म होता है सपोर्ट करने के लिए, रिस्टेन करती है गवर्नमेंट को, पॉलिसीज बनाती है, जस्टिफाई करती है, अपोज करती है। We can say that parties are necessary condition for a democracy. और ये सब पढ़कर हम ये जरूर कह सकते हैं कि parties जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, necessary है condition of democracy के लिए। तो democracy अगर है तो वहाँ पर political party का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने इस chapter को complete किया है। Further chapter के लिए मेरा अगला video देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये video पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में मुझे भेजें, ताकि मैं अपने अगले वीडियोस को और इफेक्टिव बना पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।